दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड आई एम विकास चंद्रा पी सी एस ऑफिसर टू थाउजेंड ट्वेंटी बैच एंड जस्ट फॉर योर रिफरेंस दीज आर माई कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट्स टूडे वी विल स्टडी अबाउट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका तो आज हम नॉर्थ अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले लॉर्ड नॉर्थ अमेरिका की सारी महत्वपूर्ण झीलों में से फाइव ग्रेट लेक्स पाँच महान झीलों के बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे ये पांच महान झीलों में से चार महान झीलें कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे और इसमें सबसे बड़ी जो लेक है वो है लेक सुपीरियर। यहाँ आप देख सकते हैं ये है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाइस सरफेस एरिया यहाँ ये बर्ड इम्पॉर्टेंट है कि लेक सुपीरियर सरफेस एरिया के मामले में विश्व की सबसे बड़ी झील है न कि वॉल्यूम के मामले में अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी आ, पहले हम इन लेक्स को एरिया वाइज इनकी रैंकिंग देख लेते हैं तो सबसे आ, बड़ी है इन फाइव ग्रेट लेक्स में लेक सुपीरियर फिर लेक ह्योन फिर लेक मिशिगन फिर लेक इरी और फिर लेक ओंटारियो ये एरिया वाइज रैंकिंग है सरफेस एरिया वाइज़ वॉल्यूम वाइज रैंकिंग थोड़ी अलग है वॉल्यूम वाइज रैंकिंग में सबसे वो पहले आती है लेक सुपीरियर फिर लेक मिशिगन फिर लेक ह्यूर फिर लेक ओंटारियो एंड फिर लेक इरी तो ये आपकी इसकी रैंकिंग हुई कि सबसे बड़ी कौन सी झील है उसके बाद कौन सी झील है सबसे छोटी कौन सी झील है यहाँ दो वर्ड इम्पॉर्टेंट है याद करने की एरिया वाइज़ एंड वॉल्यूम वाइज अब हम लेक सुपीरियर के बारे में पढ़ते हैं लेक सुपीरियर ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल के हिसाब से अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है जब कोई भी चीज किसी भी झील के अंदर पानी की क्वांटिटी कितनी है ये वॉल्यूम से डिसाइड होता है और उस लेक का सरफेस पे ये क्षेत्रफल या एरिया कितना बड़ा है ये डिसाइड होता है इससे उसका सरफेस एरिया डिसाइड होता है तो अगर कोई भी झील उसका सरफेस एरिया कम है परंतु उसकी डेप्थ उसकी गहराई ज़्यादा है तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा तो उसका वॉल्यूम वॉल्यूम के हिसाब से वो बड़ी हो जाती है तो लेक सुपेरियर विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये कैनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है और लेक ह्यूरन और लेक सुपेरियर को सेंट मैरी रिवर कनेक्ट करती है अगर लेक सुपेरियर से लेक ह्यूरन जाना है तो सेंट मैरी रिवर के थ्रू जाया जा सकता है वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है कि लेक ह्यूरन से ये सू कैनल सू नहर के द्वारा भी जुड़ी हुई है सेंट मैरी नदी के द्वारा तो जुड़ी ही हुई है सू कैनल के द्वारा भी जुड़ी हुई है तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डुलुत एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि लेक सुपीरियर के किनारे पर है जो पांचों महान झीलें हैं उनमें ये सबसे गहरी झील है उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील नहीं है ये पांचों महान झीलों में से फाइव ग्रेट लेक्स में सबसे गहरी तो ये है लेक सुपीरियर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लेक वो है आपकी लेक मिशिगन। लेक मिशिगन ये है आपकी पूरी दिस इज़ लेक मिशिगन। ये पूरी की पूरी यूएसए में स्थित है ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर नहीं है ये इकलौती इन पांच लेकों में से इकलौती ऐसी लेक है जो पूरी की पूरी यूएसए में है ये जो वॉल्यूम के हिसाब से इन फाइव ग्रेट लेक्स में दूसरे नंबर पे आती है और सरफेस एरिया के हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है यहाँ लेक मिशिगन और ह्यूरन के बीच में हम ये देख सकते हैं एक छोटी सी जल संधि है स्ट्रेट है जिसको मैकिनॉक स्ट्रेट कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि मैकिनॉक स्ट्रेट किन दो झीलों को जोड़ती है तो मिशिगन और ह्योन को मैकिनॉक स्टेट जोड़ती है लेक मिशिगन किसी भी देश के अंदर में पूरी तरह से स्थित सबसे बड़ी झील है इसका क्या मतलब होता है मतलब कि पूरी की पूरी एक झील जो किसी एक देश के अंदर हो दो तीन देशों से बॉर्डर न बनाती हो ऐसी सबसे बड़ी झील कौन सी है लेक मिशिगन दो महत्वपूर्ण शहर इसके किनारे हैं एक है शिकागो और एक है मिलवॉकी। अब हम लोग दूसरी झील की तरफ आगे बढ़ते हैं आ, अगली झील है जो है वो है लेक यूर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है लेक ह्यूरोन ये भी कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे है और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील है सरफेस एरिया के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है इस लेक पर इसका नाम है मैनी आइलैंड और ये किसी भी लेक पर स्थित सबसे बड़ा आइलैंड किसी भी लेक पर स्थित ये आपको छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है ये है मैरी आइलैंड ठीक और ये जो है अभी हमने पढ़ा कि सेंट मैरी नदी के द्वारा ये लेक सुपीरियर से जुड़ी हुई है और सू कैनल के द्वारा भी लेक सुपीरियर से जुड़ी है सेंट मैरी रिवर यहाँ पर यहाँ लेक सुपीरियर और लेकिन के बीच में दो कनेक्टिंग पॉइंट है एक है सेंट मैरी रिवर और दूसरा है सू कैनल और ये जो है आ, द्रा, 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 सेंट मैरी रिवर और सेंट क्लेयर रिवर के द्वारा ये सेंट क्लेयर लेक से जुड़ी हुई ये सेंट क्लेयर लेक है यहाँ से एक छोटी सी नदी बहती है सेंट क्लेयर नदी और इसके द्वारा ये सेंट क्लेयर रिवर से जुड़ी हुई अब हम लोग अग, अगली लेक पर को देखते हैं नेक्स्ट लेक है आपका लेक ईरी ये लेक ईरी जो है ये ले, लेक सेंट क्लेयर से डेट्रॉयट नदी द्वारा जुड़ी है यहाँ पर आपको आ, लेक सेंट क्लेयर दिखाई दे रही यह है लेक सेंट क्लेयर यहाँ से एक नदी बहती है डेट्रॉयट नदी जिसके किनारे डेट्रॉयट शहर भी है जो कि ऑटोमोबाइल का बहुत फेमस सेंटर है वर्ल्ड में और लेक आ, ये है लेक ओंटारियो लेक ईरी न्यागरा नदी के द्वारा लेक ओंटरियो से जुड़ी, जुड़ी हुई है और यहीं पर नियाग्रा फॉल्स जो कि बहुत फेमस फॉल्स है नॉर्थ अमेरिका में झरना है जो कि इसी यही इसी नियाग्रा नदी पर स्थित है क्लीवलैंड और बुफेलो दो इम्पॉर्टेंट शहर हैं जो कि ईरी झील पर स्थित नेक्स्ट लेक है ओंटेरियो लेक लेक ओंटरियो ये भी कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे है और यूएसए के कनाडा uh, के तीन इम्पोर्टेंट शहर टोरंटो मिसी सोगा और किंगस्टन चार इम्पोर्टेंट शहर इसके किनारे स्थित है और यूएसए uh, का एक इम्पोर्टेंट शहर रॉकस्टार वो भी इसके किनारे स्थित है लेक ओंटारियो सरफेस एरिया के हिसाब से इन पांचों लेक्स में सबसे छोटी है और इस लेक ऑनटेरियो से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर इस रिवर के द्वारा ये जो नदी है ये जो रिवर ये जो लेक है वो अटलांटिक ओशन से जुड़ी हुई है अगली इंपॉर्टेंट लेक है लेक ऑफ द वुड्स लेक ऑफ द वुड्स जो है वो यू एंड कनाडा के, के बॉर्डर पर है यहाँ इस जगह पर आप देख सकते हैं यू एंड कनाडा के बॉर्डर पर अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी जो दोनों के बॉर्डर पे है अब हम कनाडा में स्थित लेक्स को देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट बियर लेक जो कि कनाडा के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील है पूरी की पूरी तरह कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है ग्रेट बियर लेक उसके बाद ये ग्रेट स्लेव लेक है ग्रेट स्लेव लेक पूरी नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी झील है उसके बाद लेक एथेबस का है जहाँ पर यूरेनियम सिटी जिसके किनारे पर स्थित है यहाँ पर रेंडियर लेक है और उसके नीचे ये विनीपेग लेक है और यहाँ पर ये जो छोटी सी लेक देख रहे हैं आप ये निपिगौन लेक है ये द्वीप है इसको बैफिन आइलैंड कहते हैं उस पर ये नेटलिंग लेक है किसी भी आइलैंड पर स्थित सबसे बड़ी दुनिया की झील है नेटलिंग लेक ठीक है ये यूएसए की लेक है ग्रेट सॉल्ट लेक हम आगे देखेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं एग्जाम में नॉर्थ टू साउथ पूछ लेता है कि इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए ग्रेट बियर लेक ग्रेट स्लेव लेक लेक लेबस्का रेंडियर लेक लेक मनीटोबा लेक विनीपेग ठीक है ये सारे लेक्स नॉर्थ टू साउथ सिक्वेंस में पूछ देता है तो इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा ये ग्रेट बियर लेक्स के बारे में दिया हुआ है कि ये लार्जेस्ट लेक है इंटायरली इन कनाडा ये ग्रेट स्लेव लेक के बारे में लिखा है कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी लेक है हाँ ग्रेट स्लेव लेक से एक इम्पॉर्टेंट नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी और ये नदी यहाँ से निकल के आर्कटिक आगटिक्वेशन में जाकर गिरती है फिर और इम्पॉर्टेंट लेक लेक विनीपेग है एथाबेस्का है रेंडियर है नेटलिंग है और निपिगॉन है अब हम लोग यू की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को देखेंगे केवल हमको जानना होगा कि ये यू में स्थित है बाकी उनके बारे में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है एक क्रैटर लेक है जो यहाँ पर पाई जाती है लेक तहोए है मोनो लेक है लेक मीड है केंटुची uh, लेक है लेख चैम्पलिन उसके बाद हम देखते हैं एक सबसे बड़ी लेक मैक्सिको की वो कौन सी है तो मैक्सिको की सबसे लेक लेक चपाला है जो कि मैक्सिको की सबसे बड़ी लेक है तो नॉर्थ अमेरिका की सारी महत्वपूर्ण लेकों को हमने इस वीडियो के द्वारा पढ़ा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ओके थैंक यू